जोर से बोलो। हाँ तो दादा सत्युग के अंत में कितने होंगे? दो सौ लाख माना 2 करोड़ होंगे। सत्युग में भी आधी स्टेज होती है या नहीं होती है? जो ऊंची स्टेज कहेंगे वो कब तक है? जैसे दुनिया का आधा हिस्सा पूरा होता है तो कहेंगे त्रेता का अंत हुआ, ततो सामान्य स्टेज पूरी हुई। तो ऐसे ही सत्युग में जो ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है? हैं? 1 करोड़। हाँ, उस हिसाब से बताया। या जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं वो ऊंचे माँ बाप का नाम मान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पवित्रता को उतना धारण नहीं किया। लेकिन विशेषता तो है, जो कार्य और नहीं कर सके उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। माने जो लक्ष्मी नारायण की प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी, प्रजावर्ग में आने वाली, उन प्रजावर्ग में आने वालों में से कोई भी आत्मा में इतनी पावर नहीं है जो लक्ष्मी नारायण को प्रत्यक्ष कर सके। हाँ, उनके राज्य अधिकार में आने वाली कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं जो उनको प्रत्यक्ष करती है। राजा के नीचे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? हैं? कौन? राज्य अधिकारी तो ढेरों होते हैं। कौन सा राज्य अधिकारी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? सेना का अधिकारी, सेना नायक, मार्शल जिसे कहा जाता है। लेकिन बुद्धि सेना नायक में ज्यादा होती है या प्रधानमंत्री में ज्यादा बुद्धि होती है? सेना नायक की बुद्धि को भी चेंज करने वाली शक्ति कौन सी है? और राजा की भी बुद्धि को चेंज करने वाली शक्ति कौन है? है? परिवर्तन शक्ति। तो ऐसे ही नारायण को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कौन बना? जो निमित्त बनने वाली शक्ति है वो भी एक आत्मा है। और साधारण कुल से नहीं है, वो भी असाधारण कुल है। जो राज्य अधिकारी होते हैं वो दास दासी कहे जाते हैं या संगी साथी कहे जाते हैं? है? तो वो भी दास दासियों की लिस्ट है। पवित्रता को धारण करने वाले दास दासी बनते हैं क्या? वैष्णवी शक्ति ने तो पवित्रता को धारण किया, तो दास दासी बनती है क्या? नहीं, सारा काम किया लेकिन पवित्रता की स्टेज में थोड़ा
फेल हो गए। माला के मड़के तो राम वाली आत्मा भी है, नारायण वाली आत्मा भी है, लेकिन अपने गुप्त में वो ऊंचे है। कि बाप जो ग्रुप आता है, जो पावरफुल ग्रुप है, वो कौन सा है? लक्ष्मी का ग्रुप। उसके बाद कौन सा ग्रुप पावरफुल है? इस्लाम वंशी ईसा जो कौन सा है? इस्लाम वंशियों का है तो कोई होगा कि नहीं? बीजू पात्रों में प्रत्यक्षता करते हैं। एडवांस पार्टी की भी प्रत्यक्षता करने में तो कौन आत्मा बनती है? हैं? वही आत्मा है। तो गंगा नदी है तो कहते 2030 का पूरा टूट जाए। अच्छा, इसमें सत्ताईस भाग है। मुरली में तो बोला है गंगा यमुना नदियाँ तो हमेशा ही रहती है। जहाँ तक सूखने की बात है, उनका पानी का प्रवाह रुक जाता है तो वो तो अभी भी सूखने लगी है यमुना नदी। जब चैतन्य तैयार हो जाएगी तो जड़ की चिंता रहेगी लोगों को, या चैतन्य की तरह बुद्धि रहेगी? कौन कैसे स्नान करेगी? चैतन्य में स्नान करेंगे, सारी दुनिया को चैतन्य का मालूमात हो जाएगी। फिर जड़ को कौन पूछेगा? सूख जाए तो सूख जाए। इसके लिए बुद्धियोग लगाने की भी दरकार नहीं। राधा की संगी सहेलियों में कोई प्रधान होगी कि नहीं होगी? जैसे सीढ़ी के चित्र में चार दिखाए गए हैं मुखिया, उनमें राम का जो प्रधान सहयोगी है वो कौन रहता है? फिर ऐसे ही जो राधा की सखियां दिखाई गई है उनमें भी कोई मुखिया होगी या नहीं होगी? ऐसे ही संग साथ ज्यादा कौन रहेगा? जो ज्यादा जितना संग का रंग करता है उसको वैसा ही रंग भी लगता है, उतनी पावर भी मिलती है। जब एक कल्प पूरा होता है तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। क्या द्वापर कलयुग, चार युगों का जब एक कल्प पूरा होता है तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। इसको कहते हैं कल्पवास, उपवास। हद के विदेशी का क्या अर्थ है? डबल विदेशी का है? हाँ, यहाँ भारत में से निकाले गए, विदेश में चले गए तो सिंगल विदेशी हो गए। फिर वहां से भी अगर निकाल दिए गए तो डबल विदेशी हो गए। ऐसे ही यहाँ जो लौकिक दुनिया को छोड़ करके बेसिक में आ गए तो सिंगल विदेशी तो हो ही गए। वास्तव में अगर पक्के स्वदेशी होते वैष्णवी देवी की तरह, तो वैष्णवी देवी जैसे अपना लौकिक परिवार नहीं छोड़ती है। कि छोड़ती है, इतना प्यार भरा रहता है कि लौकिक परिवार वालों को छोड़ नहीं सकती, और लौकिक परिवार वाले भी उसको छोड़ नहीं सकते। क्या? तो सिंगल विदेशी भी नहीं तो डबल विदेशी होने की तो
बात ही खत्म। लेकिन कोई सिंगल विदेशी भी होते हैं, सत्य त्याग देते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, मर। बाप तो मुरली में कहते हैं पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो सन्यासी बने या पक्के गृहस्थी हुए, क्या हुए है? सन्यासी हो गए। प्यार तो है नहीं भरपूर 100% आखिरी जीवन में, तो भक्त से धक लात मार लेते या उनको घरवाले लात मार देते स्वभाव संस्कार के आधार पर। फिर दूसरे होते हैं वो जो लौकिक जीवन से भी धक्का खाते हैं, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार जो बेसिक का बनता है उससे भी धक्का खा जाते हैं। तो कैसे विदेशी हो गए? डबल विदेशी। यहाँ कैसे बैठे हुए हैं सब है? यहाँ भी नंबरवार है क्या? कोई ऐसा है कि नहीं जो लौकिक परिवार में भी निभा रहा हो है? और अलौकिक परिवार में भी निभा रहा हो, और फिर ये जो ब्राह्मण परिवार बना है एडवांस का बेहद का, इसमें भी निभा रहा हो, ठीक है भारत राजधानी वाली राम वाली आत्मा होगी। वो तो सारी दुनिया की राजधानी दिल्ली ही बनती है। सबकी राजधानी अलग अलग नारकीय दुनिया में होती है, या संगम की श्रेष्ठ दुनिया में सबकी राजधानी अलग अलग होगी। नारकी दुनिया कहेंगे या नारकी दुनिया की शूटिंग करने वालों की दुनिया कहेंगे, जहाँ अलग अलग राजधानियां होंगी, अलग अलग मतें होंगी। जो बाप राजधानी स्थापन करते हैं सारी दुनिया के बीच में, वो एक ही राजधानी होगी या अनेक राजधानियां होंगी? एक होगी। सेवा करने वाले मान लो सारे दिन के बीच में एक व्यक्ति को कोर्स देते हैं, तो बाबा की बताई हुई बातें उन्होंने दूसरों को सुनाई तो उनका रिवाइज नहीं हो गया ज्ञान है? मुरली नहीं चलाई, मुरली से बाहर चले गए क्या? मुरली पर मनन चिंतन मंथन नहीं किया, प्रैक्टिकल जीवन में सेवा नहीं की? अरे मुरली क्या पढ़ने को ही मुरली कहा जाता है? अरे दो आदमी मिलकर के बैठे तो क्लास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्लास माने क्या है? क्लास माना संगठन। दो मिलकर के एक हो गए, एक ने दूसरे की बात सुनी, दूसरे ने दूसरे को समझाई, और दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो रहे हैं, तो संगठन माने क्लास बन रहा है कि नहीं? क्लास माने क्या? क्लास माने संगठन। मानो किचन डिपार्टमेंट में है और रोज ही वो मानो खाना बनाने की सेवा है, तो वो तो रोज मुश्किल से पाएगी उस समय, तो क्या उसकी छुट्टी कैसे मानी जाएगी? जो ईश्वर की सेवा में लगा हुआ है उसको ईश्वर याद आएगा, या जो इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी है उसके आदर पे चल रही है? अगर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी की सेवा कर रही है तब तो नहीं कहेंगे क्लास किया।
अगर शिव बाबा की याद में चल रही है और शिव बाबा की ही सेवा कर रही है तो उसकी बुद्धि में ज्ञान जरूर चलेगा। माया पहले सरेंडर होती है मन बुद्धि से, एक भी मन मत नहीं चलाएगी। फिर जो बाबा का डायरेक्शन वो ही करेगी। अभी तो संकल्प चलता है ना, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ये रुद्रमाला के मन के हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। इनको अपनी अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है। बात नहीं कही बोली, जो अष्टदेव है वो सरेंडर बुद्धि बन चुके हैं पूरे, ऐसा किसी मुनि ने बोला क्या? बाबा बात तो सुन लिया, बाबा बता रहे थे ना कि कोई ऐसे भी जो लौकिक परिवार में भी निभा रहे और लौकिक परिवार को भी निभा रहे हैं, एडवांस का परिवार में खुद ही अपना निभा रहे हैं, ऐसे भी निकलेंगे। अरे दुनिया के बीज है तो बीज में तो सब प्रकार के होंगे या एक ही प्रकार के होंगे? सब प्रकार के होंगे। मुरली के पॉइंट बताने के लिए होते हैं या जेल में रखने के लिए होते हैं? अरे बात आई है तो बात बाहर निकाली जाती है, कन्विंसी थोड़ा ही कर रहे हैं। और कोई जो क्लास में आते हैं जो आते हैं वो अपने घर में ही किसी दिन क्लास करना चाहते हैं कि मतलब मोहल्ले के लोग संदेश दें तो कई पुरानी आत्माएं वहाँ आकर के क्लास करें जिससे नई आत्मा मिल पाए, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कोई कर सकते हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन है? उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्यों होगा ऑब्जेक्शन? ज्ञान की चर्चा करना खराब बात है क्या? संगठन होता है ना। हाँ तो क्या हुआ? सम्मेलन जब होता है हाँ। तो कितनी घंटे तक की गुरु की आत्माओं को दीखी संगठन में या मंत्री संगठन में कितने घंटे तक की आत्माओं को बुला सकते हैं, कितने दूर तक की आत्माओं को? वो मासिक संगठन होते हैं या त्रैमासिक संगठन होते हैं या पाक्षिक संगठन होते हैं, उनमें 3-4 घंटे से ज्यादा दूरी वाली आत्माओं को बुलाना उनका वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी खर्च करने। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में तो मिनी मधुबनी एक है, तो जरूर झांसी वाले भी आने की इच्छा करेंगे। बलिया वाले भी आने की इच्छा करेंगे। उनको ना कर दिया जाए क्या? एक फिक्स नियम नहीं बनाया जा सकता।
बाकी एक सामान्य रूप से बात कही जा सकती है कि 3-4 घंटे से ज्यादा लंबा सफर करके आने वालों के लिए उनको बुलाना, उनको जबरदस्ती करना कि आना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आने जाने में पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी जाता है, अपनी तनख्वाह भी कटवानी पड़ती है, गरीबी अमीरी भी देखी जाती है। अभी तो आया पारसनाथ की बात है, नहीं समझ आई है? रंग के रंग में प्रैक्टिकल में होगी तो पावन होगी। नदियों के लिए क्या बोला है, है? सागर से प्रैक्टिकल जीवन में कनेक्शन है तो नदी पति तो पावनी है, और प्रैक्टिकल जीवन में सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नहीं वो नाला है। ज्ञान मार्ग की तो बात है और क्या, ज्ञान की बात है ये। अज्ञान मार्ग में तो संग क्या है, कुसंग क्या है, इसका ज्ञानी ही नहीं होता है। सत्संग क्या है और लक्ष्य संग क्या है ये पता ही नहीं होता है। सत्य कौन है और असत्य कौन है इस बात का ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता है क्या? होता है, है? अज्ञानियों को कहाँ ज्ञान होता है कि दुनिया में सत्य कौन है? हफ्ते में एक दिन अपने घर में कितने क्लास में करेंगे? गीता पाठशाला में न करें? नहीं, रोजाना से जाते हैं। गीता पाठशाला में भी क्लास करें और रोजाना जाते हैं। ठीक है, हफ्ते में एक दिन करना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार सेंटर न जाएं? नहीं, सेंटर से जाएं, सेंटर में भी एक बार जाएं और गीता पाठशाला में रोज जाएं, रोज जाएं और घर में एक दिन एक कन्या के उसके लिए अपने घर में न गीता पाठशाला में जाएं न सेंटर में जाएं, सप्ताह में एक दिन अपने घर में क्लास करें। सबको बुलाना चाहते हैं गीता पाठशाला। एक आत्मा का विशेष क्लास अपने घर में कर लिया जाए? आप समझ गए इनकी बात? हाँ, हम तो रोज गीता पाठशाला में जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारी इच्छा ही होती है एक दिन हमारे घर में तो आकर नहीं करते। ये कैसे संभव हो सकता है? जो गीता पाठशाला में तो वैलिड कर दिया है कि पति पत्नी दोनों एडवांस में चल रहे हैं, और जिनके घर परिवार वाले कोई ज्यादा विरोधी नहीं है, सब सहयोगी हैं, तो गीता पाठशाला वहाँ बनाई जाती है। आपके घर में तो पता नहीं कैसा वातावरण होगा। तो पूरा घर ही ज्ञान नहीं चलता। हाँ, एक बेटी बीमार रहती है, वो मुश्किल है, शिक्षा के ऊपर है ना, उनकी एक आत्मा छिटक के रहती है, दिमाग से थोड़ा कमजोर है, तो फिर इसके लिए जबरदस्ती क्या है? वो सुनना चाहती है कि वहाँ नहीं जाती। ठीक है, जो जैसे चलना चाहता है उसको चलने के लिए फ्री करो। कोई को पुष्करणी ब्राह्मण बनाने की दरकार नहीं है, धक्का दे दे करके नहीं चलाना, स्वेच्छा से चलने दो। मन जो
अरे वो कन्या सरेंडर होना चाहती है, परिवार वाले तैयार नहीं है, सब तैयार है, माने सब संतुष्ट नहीं है तो सारी दुनिया कहाँ से संतुष्ट हो जाएगी? सारी दुनिया कहीं संतुष्ट होती है क्या? अभी जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जो सबसे ऊंची पुरुषार्थ थी, उनसे सारी दुनिया संतुष्ट हो है भी? उनसे ही संतुष्ट नहीं है तो एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाएंगे? अरे दोनों साथ साथ याद आते हैं कि जब रथ याद आता है तो रथ में ही बैठे हुए हैं, और जब निराकार याद आता है तो बिंदी में ही बैठे हुए हैं। दोनों साथ साथ याद आते हैं या अलग अलग करके याद आते हैं? हाँ, तो कभी सन्यासी बन जाएंगे, कभी गृहस्थी बन जाएंगे, कभी जंगलों में मारे मारे फिरना, कभी गृहस्थियों के बीच में रहना, शूटिंग हो रही, कभी विदेशी बन जाना, कभी पक्के स्वदेशी बन जाना। शंकर की कौन सी तीन मूर्ति है? शिवलिंग की कौन सी तीन मूर्ति है? मैंने पत्थर का लेके याद आता है, याद नहीं आता है। साकार के मस्तक में, हाँ तो अच्छी बात है ना, खराब बात क्या है? पत्थर को क्यों याद करते हो? इस चार की रोशनी काम कैसे करेगी? वो ज्ञान कैसे सुनाएगी? दुनिया का परिवर्तन कैसे करेगी? पतितों को पावन कैसे बनाएगी? तुम बताओ पहले, इन प्रश्नों का जवाब बताओ, इन प्रश्नों का पहले जवाब बताओ कि जो बिंदी है वो अगर चैतन्य साकार व्यक्ति में नहीं आएगी तो ज्ञान कैसे सुनाएगी? कोई बात की गहराई कैसे समझाएगी? पतितों को पावन कैसे बनाएगी? दुनिया का परिवर्तन कैसे करेगी? जो काम और धर्म पिताएं बड़े बड़े नहीं कर सके, राजधानी स्थापन करना, वो काम कैसे करेगी? तो फिर प्रैक्टिकल को याद करना है या सिर्फ बिंदु को याद करना है? अगर विधर्मी बनना है तो निराकार को याद करना है। अगर विधर्म में नहीं जाना है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होना है, तो साकार में निराकार को याद करना है। फल खत्म हो गए? डबल रोटी दूध खत्म हो गया क्या? दूध और डबल रोटी तो हर जगह मिल जाती है। मुरली ने बोला लाचारी हालत में मशीन में जो डबल रोटी है ब्रेड, वो हर जगह मिल जाता। बाबा ने मना नहीं किया, लाचारी हालत में जैसी ये हालत बता रहे हैं कि परिवार में कोई नहीं है, अकेले हैं और बीमार पड़ जाते हैं, हाँ ये किसने कहा कि तुम उनको काम में न लाओ? हाँ, खान पान में उनसे ब्रेड मत मंगवाओ, ये किसने कहा?
जब अच्छे थे स्वस्थ थे तो लौकिक परिवार वालों को सहयोग देते थे या नहीं देते थे? देते थे तो भारी बीमारी वो तुम्हारी डबल रोटी लागे नहीं देंगे है? फिर क्या बात है? और दस बारह साल की कन्या के अंदर भिखारी संकल्प नहीं चलते है क्या? आजकल तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां भी भिखारी संकल्प चला रहे हैं। कल्याणकारी नहीं है इसकी बात, कल्याणकारी दुनिया में जो दुनिया में जो रावण संप्रदाय है जो अपने ही चलाते हैं, मनमति ही चलाते रहते हैं अंत तक और शिव बाप की बात पर नहीं चलते हैं, उनका परिवर्तन कौन करेगा? तो राम राम है? राम करेगा, शिव बाप करेगा। वो कल्याणकारी बात नहीं हुई। राम रावण कैसे हुए? हाँ जी, राम रावण तब बनता है जब दुनिया में सारी दुनिया रावण बन जाती है, तब राम भी रावण बनना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो जब बाप राम ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है तो बाप का अपन नंबर बच्चा होगा तो ड्रामा के बंधन में नहीं बनेगा। राम राम बन जाता 100% आत्मिक स्थिति में रहने वाला सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं करता। राम 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 करो। आऊमा आ माने ब्रह्मा, अपने अंदर ब्रह्मा के रूप में अच्छे गुणों को स्थापन करना, वो ब्रह्मा का काम हो गया आत्मा का। ऊ माने विष्णु, जो अच्छे गुण स्थापन किए हैं उनकी पालना करना, बनाए रखना, खत्म न होने देना, वो विष्णु का काम है। वो आत्मा विष्णु के रूप में भी पार्ट बजाती है। और माँ माने महेश, माना महेश शंकर के रूप में जो दुर्गुण है उनको खलास कर देना, विनाश कर देना, ये आत्मा महेश का भी पार्ट बजाती है। ये तीन कार्य करने वाली कार्य करता आत्मा, उसका नाम है आ ऊ मा मह ओम शांति। इस तरह अपनी आत्मा को सदैव शांत स्वरूप ऐसी स्थिति में रखना, अशांत न होने देना। प्रैक्टिकल में कैसे साथ रहे, क्या मुसीबत आ गई है? और प्रैक्टिकल में बैठे नहीं हो तुम? हाँ, तो ये कमजोरी किसकी है, ये कमी किसकी है? मना कर दिया है क्या पारसना तुम? है हमारे साथ नहीं आना, हमारे साथ रहना नहीं, दूर दूर भाग जाओ, भाग जाओ। है मना कर दिया है? नहीं यार। हाँ फिर क्या बात, बाप बच्चों को कभी नहीं निकालते, बच्चे अपने आप भाग जाते हैं। भाइयों को क्या मना कर दिया है? तुम सरेंद्र बुद्धि होकर ही नहीं रहो, मना कर दिया है? नहीं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, मना कहाँ कर दिया है? क्या व्यवधान आता है इसमें, क्या रुकावट आती है? है? रुकावट तो फिर और फिर आपको भी पेड़ को पकड़ा हुआ है। Thank you.
अनुभव करो कि जब ज्यादा गहरी याद होती है तो उसमें सांस पर सांस धीमी हो जाती है या नहीं, तो याद की एक ऐसी स्टेज भी आएगी जिसमें न खाना खाने की दरकार रहेगी, न सांस लेने की अधिकार दरकार रहेगी और न पानी पीने की दरकार रहेगी। तो आयु बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। बर्फ तो सारी दुनिया में कहीं भी होगी, जो बीज रूप आत्मा है दूसरे धर्म की बीज होंगी क्या? जो नीचे से नीचे धर्म की बीज होंगी वो बाप के पास रहेंगी या दूर पड़ेंगी? मान लो आर्य समाज धर्म की बीज रूप आत्मा है और आर्य समाजियों ने बाप का आज से लेकर के अंत तक बहुत विरोध किया है, तो सदगुरु निंदक न पाल, तो माउंट आबू में रहेंगी या दूसरी जगह रहेंगी? है जरूर दूर रहेगी, तो वहाँ बर्फ नहीं पड़ेगी क्या? सदगुरु निंदा तक और न पावे, अभी तक उसी में नहीं बैठा है। क्या बैठ गया? जो तन से कोई ऐसा काम न करे जो बाप की निंदा हो, वाइब्रेशन खराब करके आ जाए, अपना भी और दूसरों का भी। जो धन से ऐसा कोई काम न करे जो यज्ञ का नुकसान करके आ जाए, वाइब्रेशन खराब हो जाए दूसरों का, हालात खराब हो जाए, ग्लानी पैदा हो जाए, ऐसे ही मन से कोई ऐसा संकल्प न चलाए जो श्रीमत के बरखिलाफ हो, ऐसी आत्माएं नजदीक रहेंगी और नंबर वार नजदीक रहेंगी। अभी भी बता दिया है, 4-6 साल पहले जो अद्वैत वाणी चली थी उसमें ही ये बात बता दी, दुनिया वालों की नजरों से बाप ओझल हो गए, छिप गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अभी भी जो बच्चे काम क्रोध को नहीं छोड़ पा रहे, जबरन जैसे पकड़े हुए, तो क्रोधी बच्चों से नहीं मिलेंगे, बोला है या नहीं? ऐसे मिलने वालों की संख्या कम होती जा रही है। माँ बाप दोनों बुक हो जाएंगे, माँ को क्यों मिल रही है? माँ तो बुक हो गई ना, माँ गुप्त हो गई, अभी होगी अब की नजरों में गुप्त हो गई, या जो माँ के चंद्रवंशी कुल के हैं उनके लिए भी गुप्त हो गई? उनके लिए गुप्त नहीं है, तो बाप भी गुप्त हो जाएंगे। माँ की तो बात ही अलग है, एडवांस के धर्म गुरु है वो अपनी अपनी चलाएंगे, तो एडवांस में भी अभी नहीं चला रहे, अभी नहीं चला रहे, अभी तो बाबा है ना सामने, बाबा है तो क्या हुआ, जल्दी बात नहीं की, वो बाद में बाबा गुप्त हो जाएंगे। एडवांस में, एडवांस में चलने वाले हैं, लेकिन आर्य समाज के बीज रूप हैं, वो अभी विरोध नहीं कर रहे हैं, है? अभी भी कर रहे हैं? हाँ, चारों तरफ से धोखा खा रहा है तो
लोगों से समझ लेना चाहिए कि कई सर्जनों में हमने चारों तरफ सबको धोखा दिया लेकर में सर सो रही है, इसलिए बहुत खुश रहो। हाँ हाँ, तो सबको धोखा दिया होगा तेरे सर्जन को। बनी बनाई बन रही अब तक बन नहीं रही। कौन धर्म के कहलाएंगे? जिनकी किसी से पट्टी नहीं हो वो कौन धर्म के हुए? नाम लग दिया पटना तो आओ क्या ऐसे ही धक्का मिल गया। जब राजा बीवी के वाले ज्यादा बने या बी के वाले राजा ज्यादा बने? बीवी के वाले राजा बने तो राजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं या प्रजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए? भगतों में नहीं। जीवन में जो कुछ घटित हुआ है वो 5000 वर्ष के बाद जब फिर ये जीवन मिलेगा वो जीव का त्यों पूरा घटित होगा। पाए के लिए घबराते अरे तो 84 जन्म के बाद वो स्थिति आएगी कि हर जन्म में आएगी? अपने को चेंज करो, आत्मा शांत स्वरूप हो जाए तो सारी दुनिया शांत दिखाई पड़ेगी। जोर से बोलो। हरी तुलसी होती है आंगन में लगाते हैं तो हरी बनी रहती है, बाहर जंगल में ले जाके लगा दे तो सूख जाती है। गृहस्थी जीवन में रहने का आदि है जन्म जन्मांतर का, वो आत्मा गृहस्थी में ही फले फूलेगी या जंगल में फले फूलेगी? गृहस्थी ही चाहिए। जैसे बड़ी मम्मी चाहे अंदर ब्राह्मणों की भी दुनिया में रहे तो भी गृहस्थी में, और बाहर रहेगी तो भी गृहस्थी में। बिना शरीर से भूत बन के पोषाक करेंगे क्या? पूरा जन्म कहाँ बताया? शरीर छोड़ दिया तो भूत प्रेत बन गया, अगर दोबारा जन्म ले लिया तो पुनर्जन्म हो खुद पोषाक करेंगे। दोबारा जन्म नहीं लिया? दोबारा जन्म लेके आते हैं ना, दोबारा प्रसाद क्यों नहीं जोड़ेंगे? गुरु जन्म का प्रसार ही प्रसार जोड़ता है। अभी नए नए बहुत आ रहे हैं जो बीके में चले ही नहीं है, वो फट से आते ही सारा एडवांस ज्ञान क्यों पकड़ लेते हैं? बेसिक में चलने वाली चीजें जा रही है 70 साल की चल रही है वो तो नहीं पकड़ पा रही। थोड़ा उस जीवन में जो पुरुषार्थ किया है जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बड़े न हो जाए 4-5 साल। समझदार बनो।
तो उठाओ। हाँ कृष्ण के रूप में सारी पृथ्वी का भोला दिखाते हैं, माना मक्खन का जो भोला दिखाते हैं कृष्ण के मुख में, माता ने कृष्ण के मुख में मक्खन का भोला दिया, माने सारे विश्व की बागताई का भोला उसके मुख में डाल दिया, माताओं ने डाला, माताएं बनी यशोदा, क्या यश देने वाली कोई और नहीं बनी, औरों ने तो अपयश दिया, ऐसा करता है वैसा करता है मक्खन खाता है काट ये है काट वो है। हरी सभा में नहीं कराते, हरी सभा में कहाँ बोला, ज्यादा लोगों की संख्या में नहीं कराते, ज्यादा लोगों की संख्या में कितना मुख से आवाज पहुंच सकती है, इतने ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं, माइक से क्लास नहीं कराते, माइक माने लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर कहाँ होता है, बाप की सभा में लाउड स्पीकर कहाँ हुआ, माउंट आबू में जब तक क्लास कराया तो लाउड स्पीकर होता था क्या, हाल ही छोटा था, और अभी भी जहाँ कहीं क्लास होता है तो लाउड स्पीकर से क्लास होता है क्या, लाउड माने तेज आवाज भेजने वाला यंत्र होता है क्या, जरूरत ही नहीं, वो लाउड स्पीकर होता है कि माइक होता है, माइक और लाउड स्पीकर में अंतर पता नहीं, बाहर वालों की बुद्धि जैसी है वैसी बुद्धि हम पकड़ ले क्या, जवाब की बात है बाबा जवाब देंगे, माइक किसे कहते हैं और लाउड स्पीकर किसे, लाउड माने जो आवाज को लाउड कर दे, और माइक माने आवाज को कैच करने के लिए, माइक तो अभी भी लगा हुआ है ये क्या है, ये माइक ही तो है, है? जो आगे चल के होगा बाप और गुप्त होते होते चले जा रहे या प्रत्यक्ष होते जा रहे, पांच सौ करोड़ की दुनिया के लिए टीवी नहीं है, 500 करोड़ की दुनिया बाप को सन्मुख देख पाएगी क्या, सारी दुनिया 500 करोड़ पारसनाथ के नजदीक आ पाएगी क्या, इतना अनुभव थोड़े थोड़े करके अनुभव करेगी, और बाबू बोलते कि निरंतर याद रहेंगे, निरंतर निरंतर अच्छे कर्म किए त्रेसठ जन्म में निरंतर अच्छे कर्म किए हैं तो याद कैसे नहीं, हाँ। बाबा ने बोला है कि जो भी करता हूँ, रुको रुको रुको, हाँ क्या हुआ किसी से लिखवा लो, हाँ बाबा ने बोला है जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, बाबा ने बोला है जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, इस सृष्टि मन पर तो सारी कठपुतलियाँ हूँ, उंगली पर मैं तुम्हारे सारे धागे मेरी उंगलियों में होते हैं, पर्दे के पीछे से मैं उंगलियों को मटकाता हूँ, दिलाने भी अगर करवाना होता है पत्ता भी तेरी सत्ता के दिल सकता नहीं खिले न कोई फूल, ये कौन से समय की यादगार है, अभी की यादगार है या आने वाले संगम युग स्वर्ण संगम युग की यादगार है, अभी की यादगार, अभी सारे पत्ते ये सारे पहन रहे हैं, ये बाबा एक कराना चाहता है पत्ते दूसरा, बाबा एक बात कहता है कर लेते हैं दूसरी, बाबा एक जगह भेजना चाहता है चले जाते हैं दूसरी जगह, अभी बाबा के संकल्पों को कैच करने के योग्य मनमना भाव बुद्धि बनी है, फिर पत्ता भी हिल सकता नहीं, वो अभी की बात है, ये आप समय की गाइड,
लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर गिलानी भी करवाता हूँ तो मैं कराता हूँ और बिना ये कराता हूँ तुम्हारे मुख के शब्द लिख करके बोलना बड़ा आसान है। वाणी ला के दिखाओगे? चैलेंज है। कहाँ कहाँ तंग कर रहे हैं? चलो बात हो जाता है, आपके सामने बैठे हैं, हम भी सामने बैठे हैं, तो मना किसने किया? आप आने के लिए मना किया क्या? अरे छोटा बच्चा होता है, माँ बाप अपना काम करते रहते हैं, माँ अपना काम करती रहती है, बच्चे को भूख लगती है तो कहाँ पहुँचता है? माँ के पास अपने आप पहुँच जाता है, दूसरा बुलाएगा उसके पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो नहीं बच्चा बन जाता। तुम्हें तो चाचा बनना अच्छा लगता है, पापा पापा कहने वाला चाहिए, वो भूले। बाबा जैसे किसी बहनों को मतलब सेंटर के सारे पते हैं एड्रेस वगैरह और जैसे नहीं पहुंचा पा रहे मतलब बाबा का संदेश तो लिफाफे मतलब एडवांस पार्टी की सदघोषणा है या कुछ बाबा के मुख्य बिंदु हैं मुरली के पॉइंट वगैरह तो वो डाल कर भेज सकते हैं ना बाबा? अभी तो बोला लिटरेचर से कोई को संदेश मिल सकता है या लिटरेचर देने से कोई जो है वो समझ सकता है क्या? लेकर देने से सर्विस हो जाती है? इतना भी पैसा खर्च कर दो ये लिटरेचर सेवा नहीं करेगा, सन्मुख जाने से ही सन्मुख आने से ही सेवा होती है। जैसे बाबा मार्ग का ज्ञान नहीं है कि मजमा को इकट्ठा कर लिया और उसको सुना दिया और सेवा हो गई, नहीं, एक एक को बैठ के समझाना पड़ता है। जैसे बाबा कभी फोन से जैसे संदेश देते हैं जैसे कहीं दूर है मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फोन से भी बाबा संदेश दे सकते हैं? मना कौन करता है? करो बाबा ने तो बोला है बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत तंग करते हैं परेशान होते हो जाओ उड़िया के पास, इसमें बाबा क्या करेंगे? तुम्हारे अंदर विसात है तो उन्हें 1,00,000 रुपया दो, तुम्हारे अंदर विसात नहीं होगी तो 1,000 रुपया 1,000 रुपया कहाँ से दोगे? अरे यहाँ तो ज्ञान समझाया हुआ है, जिन आत्माओं का हिसाब किताब हो गए वही आत्मा प्रवेश करेगी, या जिनका हिसाब किताब नहीं है वही प्रवेश कर जाएगी। तो काय के लिए भगवान है? वो आत्मा नहीं है क्या? परेशान करती है तो आपसे किसी से किसान में एक आग हो जाओ तो नहीं होगी। मेहनत कौन करे? नहीं नहीं कई बाबा ऐसे हैं कि जहाँ संदेश प्रदर्शनी द्वारा संदेश देने के बाद की ब्रह्मा कुमारियों ने कम प्रदर्शनी की है या आपने ज्यादा प्रदर्शनी की है? उनकी इतनी संख्या है इतनी ज्यादा प्रदर्शनी करी उनसे दुनिया के गांव गांव में संदेश नहीं पहुंच पाया तो तुम कैसे पहुंचाओ? उनका तो दिखावा और ढकोसला ज्यादा चलता है, तुम्हारा तो जनता भी नहीं है परंपरा भी नहीं, फिर कैसे पहुंचाओ? निश्चिंत हो जाओ, बाप रहे तो बता ही दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, क्या मुझे बता दी? पढ़ना भी नहीं चाहते हैं कुछ भी सही, ये तो बता दिया आगे चल के ज्ञान में जब पढ़ेंगे। अरे यह तब तक प्रतिबंध कर रहे हैं प्रतिबंध के रहेंगे, क्लास में स्टूडेंट कोई होशियार होते हैं कोई डल होते हैं
कोई ऊंच पद पाएंगे, कोई प्रजापद में जाएंगे, कोई दासदासी बनेंगे। तो आप ये समझो वो कम पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत हम जो सुनाते हैं तो उन्होंने सुन लिया। मैं तो आपकी गीता पाठशाला की स्टूडेंट या नहीं, उनके लिए उम्मीद रखो। आप अपने परिवार में अपने गांव में बीज हैं, बाप हैं, बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है। उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए, आज नहीं चलेंगे तो कल चल पड़ेगी। और बीजे वालों के लिए ये नहीं दिया है मदन क्या, ये तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार चलेगा, तुमको वरदान मिला हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार बन चलेगा। तुम्हारे पूरे परिवार में क्या खास देखता है जो बी के वालों में नहीं है? बी के वालों ने तुम्हें लात मार दी, धक्का देके भगा दिया, और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें लात मार के अभी भी भगाया तो नहीं है। बातें चिपक जाती है और गाली चिपक जाती है क्या? दे अभिमानी को चिपकती है, आत्माभिमानी को चिपकती है। दौड़ी रही है देव आदमी, वो सामने से बोलेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे। हाँ वो ये करते हैं, कहते हैं तो अलर्ट रहो। किसी युगल में बच्ची नहीं थी, युगल से योगी में भी बच्ची नहीं थी, जान में नहीं करते, तो क्या चलने वास्तु आज करनी है? किसी गांव में सैकड़ खाली माताओं ने बच्ची की है, और किसी युगल में बच्ची नहीं थी, और युगल से क्लास करो कहते हैं, प्रजा सहयोगी नहीं बनती है क्या? माता है आप अपने मिले मैं हाँ, जिस घर में ज्यादा सहयोग मिलता हो, जिस घर में माता मेच्योर्ड हो, वहाँ अपना बैठ करके क्लास करें। ऊपर से परमिशन लो, सारी बात बताओ। ऊपर ऊपर आए नहीं तुम्हारे लिए, हम ही ऊपर हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। अब सामने वाले का कोई संगठन ही नहीं है, हमारा ही संगठन है। अरे हमारा ही संगठन है, अगर सामने वाला है तो उसका कोई संगठन नहीं है, अगर है तो हमसे अलग नहीं है। वाह भाई वाह, अरे संगठन है कि नहीं? बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम कमेटी बनाए, नया संगठन बनाए। मुरली में तो बाबा कहते हैं तुम्हें अलग से कोई कमेटी आज बनाने की दरकार नहीं है, बाबा तो खुद ही संगठन बनाने नई दुनिया का आया हुआ। जो गुरु नहीं होंगे वो ही पूछेंगे या माताएं खुद पूछेंगी? माता तो है नहीं यहाँ पर, हम ही ब्रह्मा है। अरे निमित्त है, निमित्त तो है। अच्छा उन माताओं के कौन सिक्की डालो बाबा, तो अभी छुपाया हुआ है कि प्रत्यक्ष कर दिया दुनिया में? अभी छुपाया हुआ है, अभी भी खेल रचाया हुआ है। ये किसी आदमी किसके लिए लागू हुई थी? उसके खाएंगे गर्मी को अच्छा बकरी जो है कितने जगह में जेल नहीं बनी थी, नहीं बन सकती? अरे पिछले जन्म में बकरी जो है शेर बाघ चीता बन सकती कि नहीं बन सकती, रीछ बन सकती कि नहीं बन सकती?
अरे चौपाए चौपाए में जन्म लेंगे, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े में जन्म लेंगे, मनुष्य मनुष्यों में जन्म लेगा। हर एक की अपनी अपनी जाति होती है। वो कौन सा प्राणी निकला जिसके लिए अभी बात बताई वैज्ञानिकों ने कि लाखों वर्ष की हड्डियां मिली? डायनासोर। डायनासोर की जाति कहाँ चली गई? डायनासोर चार पांव वाला होता है या नहीं? हाथ पांव वाला होता है। किसी जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक मादा या एक नर बच गया, एक भी नहीं बचा उसका संगी साथी। अब उससे पैदाइश होगी कि नहीं होगी? हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती, कोई दूसरे चौपाया मिल जाए दूसरी जाति का, उसके साथ नई जाति भी पैदा हो सकती है। हो सकती है, यहाँ घोड़ा गधा के साथ संग हो जाता है तो नई जाति पैदा होती है कि नहीं होती? कोई कुत्ते का घोड़ा शेर जैसा दिखाई पड़ता है कि नहीं है? दिखाई पड़ता है। तो चौपाए जो है वो एक अलग जाति है। पावर गुणात्मा है, ऐसे करते हैं दिखाने के लिए। दिखाने के लिए क्यों करते हैं? अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो पावर गुणात्मा है या करते हैं तो पावर गुणात्मा? नहीं करो तो घर में थोड़ी बहुत नहीं करो तो घर में होती है क्या? गृह होती क्यों नहीं क्यों छोड़ दी दिखाने के लिए? थोड़ी बच्चे हमें कारण बता दो क्यों करें तो हम करेंगे। धीरे तो उनसे बोलो, उन्हें कहने दो, वो कुछ कहे तो कुछ तुम भी कहो। कोई काम करना कारण के आधार पर कार्य किया जाता है कि बिना कारण के काम किया जाता है? है वो नहीं समझते। हाँ तो फायदा क्या है? फायदा और नुकसान भी तो देखना चाहिए। कोई काम सोच समझ के करना अच्छा है कि बिना सोच समझ के करना अच्छा है? तो समझा नहीं सकते हो। अच्छा नहीं है आप देख, आप सपने में देखते हैं तो मिले ना, आँख से देखा तो मिले ना। बाबा माता कहते हैं दौड़ती हो तो बाबा घोसले में बैठ के चल देते हैं और वहाँ भी करते हैं, नहीं मिलते हैं। ये बुजुर्ग भी आप हिलाए देते हैं कि आप जल्दी अमृत वेला के लिए 3 बजे उठ जाते हैं। अमृत वेला के लिए 3 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा अमृत वेला करते हैं, उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं मिल जाए जाते। क्या हुआ? मुर्गा क्या करता है? मुर्गा सबको बांध लेके जगह देता है, एक घंटा आराम में, एक घंटा वो भी थोड़ी देर जबरदस्त बांग लगाता है। क्या टाइम हो गया? माताओं को घर जाने में देर लगेगी है? नाक जो है वो इज्जत की निशानी है। नाक ऊंची रखना अच्छा है, जब नाक नीची हो जाए वो अच्छा है। ऊपर खाकी नाक काट दी गई, मतलब क्या हुआ? नाक कट गई, इसका अर्थ क्या हुआ? बेइज्जती हो गई। ऊपर खाकी नाक काटी जाती है।
कान लाते जाते हैं इसलिए कि वो अपनी मनमत चलाती है और किसी की बात भगवान की बात नहीं सुनती है कि वो शादीशुदा है उनकी बात सुने, कान में भी नहीं जाने देती वो बात, वो बस अपनी बात सुनाती है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरे साथ शादी करो, मेरे जैसा सुंदर तुम्हें कोई और कोई मिलेगा नहीं। सुंदरता ऐसी सुंदर करके बना करके दिखा दी, जितनी मैं सुंदर हूँ उतनी सुंदर कोई नहीं है, वो तो माया भी बात हो गई ना। अल्पकाल की सुंदरता है, सदाकाल की सुंदरता है, अल्पकाल की है।